जनपद कासगंज के थाना सदर क्षेत्र के ततारपुर निवासी आविद का शव झाड़ियों में मिला था, जिसमें पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेकर अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के पर्यवेक्षण व क्षेत्र अधिकारी नगरदीप कुमार के नेतृत्व में सर्विलांस व स्थानीय पुलिस सहित 3 टीमें गठित की गई। गठित टीमों के घटना के सफल अनावरण हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। निरंतर प्रयासों के क्रम में सुरागरसी, पतारसी, सर्विलांस व विवेचना के आधार पर मुखबिर खास की सूचना पर मारहरा तराहा प्याऊ के पास से एक सातिर अभियुक्त गुड्डू पुत्र भूरा काजी मोहल्ला कस्बा व थाना मारहरा जिला एटा को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त पंकज निवासी ततारपुर कॉलोनी कासगंज की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तब लगे क्या कुछ खुलासा किया गया है? देखिए, आपको विदित है कि दिनांक 15 तारीख को एक ई रिक्शा चालक नामक आबिद वो ततारपुर गांव में मृतक अवस्था में पाया गया था। उनकी मर्डर हुई थी, तो उसी के आधार पर इसको इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जब मैंने अपना मतलब 3 टीम बनाए, एक कासगंज थाना की टीम, SOG टीम और सर्वेलेंस टीम, इनकी मेहनत के बल ये आज खुल गई है। एक गुड्डू पुत्र बोरे जो ये एटा के निवासी हैं और दूसरा पंकज जो ततारपुर के निवासी, इन दोनों ने फिलहाल ये आबिद भी इन्हीं के साथ रहता है, ये तीनों उस दिन 14 तारीख शाम को दारू पीने गए थे ततारपुर गांव में। वहां पे इनके बीच में कुछ माल बंटवारे के संबंध कुछ झगड़ा हुआ है, उसी के संबंध में पंकज और गुड्डू ने उनको मारा है और उनको सामने वाले जो झाड़ी है उसमें झाड़ियाँ हैं उसमें फेंक दिया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।